हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुरक्षा सहायक के पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। तो क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं 27 जून से, ठीक है। और इसके बाद जो आप फॉर्म को भर पाएंगे वो लास्ट डेट है 21 जुलाई, मतलब 27 जून से लिंक खुल चुका है और 21 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉल लेटर जो डाउनलोड करेंगे आप 21 अगस्त तक हो जाएंगे, 21 अगस्त 1 सितंबर तक यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा बताया गया है। और जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त को होगा और मेंस एग्ज़ाम उसके बाद बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें स्किल टेस्ट होगा, डाटा एंट्री टेस्ट, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा इसमें। प्री, मेन और टाइपिंग टेस्ट इसमें आपको देना है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। अब ध्यान रखें, यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसी उत्तराखंड की मैं बात करूँ, अब बाकी स्टेट से हमें क्या करना है, उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में टोटल 57 वैकेंसी हैं। तो काफ़ी वैकेंसी हैं अगर देखा जाए पूरे स्टेट वाइज जो वैकेंसी आई उस हिसाब से उत्तराखंड छोड़ा राज्य, लेकिन 57 वैकेंसी आई हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के पास, अच्छे से इसको भरें इस फॉर्म को और इसके लिए थोड़ा तैयारी करें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर फोकस करें, काफ़ी लोग केवल उत्तराखंड की जॉब्स के सहारे बैठे रहते हैं, ये बेकार है, ठीक है। अब बात करें पे स्किल की, तो लेवल 4 की पोस्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन की पोस्ट है देखिए, और लेवल 4 की ये पोस्ट है। मिनिमम पे यहाँ पे 25,500 मिलेगी, ठीक है। और देखिए, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपने अप्लाई करना है। बाकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं, आपका ग्रेजुएशन होना इसमें मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी कंप्लीट होना चाहिए, जो लास्ट डेट है 21 जुलाई से पहले का ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। काफ़ी लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला गया, देखिए, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे प्रोसेस फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21 जुलाई 2019। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो देखिए, अगर 21 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल ईयर का, तो आप इसको भरें, अन्यथा ना भरें। एज की बात करें तो इसमें एज है 18 to 27, ठीक है, 18 से 27 इसमें आपकी एज है, यहाँ पे दिया गया, देखिए 18 to 27 एज है इसमें। और बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी कैटेगरीज को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता ही दिया मैंने आपको यहाँ पे कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन 21 जुलाई से पहले का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21 जुलाई के बाद अगर रिजल्ट आने वाला है तो इस फॉर्म को ना भरें। बाकी इसमें देखिए, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्री एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेन्स होगा, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम का थोड़ा देख लेते हैं क्या इसमें पैटर्न है और मेन्स का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, अच्छी पोस्ट होती है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, लाइक क्लैरिकल टाइप की पोस्ट होती है, और जो भी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा स्टेट वाइज, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की भी बात कर, माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपीज़ एंड SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए है 250 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई फीस इसमें, और पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन होगा, केवल ऑनलाइन, सभी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन फॉर्म में है। ये रहा आपका सीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेज में होगा ये पूरी भर्ती। पहले प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा, बाकी द्विभाषी बिलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, रीजनिंग और गणित। इसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेंगे इस कट ऑफ को पहले पेपर की, जिसमें 10 गुना अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे दूसरे पेपर के लिए, ठीक है। तो दूसरे पेपर मेंस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, मेन में आपका रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, और इन 150 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मेंस का पेपर होने के तुरंत बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा निबंध या लेटर राइटिंग इसमें करनी पड़ेगी। 30 मिनट का ये 30 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 45 मिनट इसमें मिलेंगे। यहाँ पे देखा बोला गया, देखिए, द मार्क्स ऑप्टेन इन फेज टू
विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, मतलब मेंस का जो नंबर है इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, प्री खाली क्वालिफाइंग के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ध्यान रखें। और यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया है जो ध्यान से पकड़ देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन, द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड अ कैंडिडेट विल हैव टू टाइप the answers using keyboard. Descriptive paper will be conducted online immediately after completion of online objective test of phase 2 main examination. तो जैसे आप मैंने बता दिया मेंस का जो एग्जाम खत्म, मेंस जो एग्जाम आपका खत्म होगा दो घंटे बाद, दो घंटे के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के खत्म होने के बाद, मतलब ये MCQs खत्म होने के बाद सीधे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर में, जिसको आपने टाइपिंग के थ्रू वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें पूरी टर्म एंड कंडीशन, और इसी पेपर के आधार पे मेरिट बनेंगे, ठीक है। फिर फेज 3 देखिए, फिर उसके बाद फेज 2 में जो होगा आपका मेंस एग्जाम के बाद 5 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा बुलाए जाएंगे, और उसके बाद फेज 3 होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो 5000 की डिप्रेशन पर आवर का मतलब ये है कि एक घंटे में की डिप्रेस मतलब दबनी चाहिए 5000 बार, मतलब स्पीड जो होती है नॉर्मली इंग्लिश टाइपिंग 30-35 की स्पीड आपकी निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, उसके बाद इसमें फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। फाइनल मेरिट देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 एंड फेज 2 मेन एग्जाम विल बी डिसाइड एज पर डायरेक्शन ऑफ EPFO, ठीक है। मार्क्स ओपन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर मेरिट ट्रैकिंग, यहाँ पे जो सेकंड ये टाइपिंग है, टाइपिंग को यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें ये बोला गया है। और जो आपकी टोटली जो मेरिट बनेगी वो आपकी मेन्स एग्जाम पे बनने वाले है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर में उत्तराखंड की मैं बात करूँ, देखिए उत्तराखंड में अगर प्री एग्जाम देना है तो देहरादून हल्द्वानी रुड़की, और मेंस एग्जाम होगा केवल देहरादून और रुड़की में, ठीक है। तो ये है फॉर्म EPFO होगा, तो भर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी जॉब है और अच्छे से मेहनत करेंगे तो इसमें निकल भी जाएंगे। उत्तराखंड के लिए 57 वैकेंसीज भी हैं। कोई डाउट या क्वेरी हो अलग से तो आप मेरे को फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।